तो गाइस जैसे कि आप सब देख सकते हैं हमारी पहली वाली वीडियो में कि हल्क ने हमें मारा था। उसके बाद फिर हमने हल्क को मारने के लिए गोस्ट राइडर की पावर्स ढूंढने के लिए गए थे। हमें गोस्ट राइडर की पावर्स भी मिल गई थी उसके बाद। तो हम गोस्ट राइडर की पावर्स लेके जब हल्क से लड़ने के लिए आए तो हल्क ने गोस्ट राइडर को भी बहुत बुरी तरह मारा। तो गाइस अब मैं इस वाली वीडियो के अंदर आयरन मैन की पावर्स लेके आऊँगा, आयरन मैन का सूट पहनूंगा Mark 85। तो गाइस मैं आयरन मैन का सूट चुराने के लिए जा रहा था उसके विला पे। मुझे पता चला अभी कि आयरन मैन वहाँ नहीं था, आयरन मैन कहीं बाहर गया, तो मैं उसका सूट चुराने के लिए उसके विला जा रहा था। तो बीच में गाइस मेरा प्लेन क्रैश होने लगा। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं, चलिए कूदते हैं इससे। तो हमें हल्क ने केवल 2 घंटे की मोहलत दी है कि हम उसका जाके उससे लड़ सकें। मतलब हल्क को हमने ओपन चैलेंज ही कर दिया था यार, हल्क हमने ओपन चैलेंज कर दिया था। अरे यार, तो हल्क हमने ओपन चैलेंज किया था कि 12 बजे हम उसे मेज बैंक के ऊपर। अरे क्यों मार रहा है भाई, बात तो करने दे। अरे अरे मार क्यों रहा है, अरे अरे साले मुझे मारेगा, ये ले तू साले मुझे मारेगा, जानता है मुझे मारेगा। हाँ तो गाइस मैं कह रहा था हमने हल्क को ओपन चैलेंज किया था कि हम उसे 12 बजे मेज बैंक के ऊपर जाके लड़ेंगे। तो गाइस हमारे पास केवल 2 घंटे बचे हैं मेज बैंक टावर के ऊपर पहुँचने के लिए ताकि हम हल्क को पीट सकें। तो हमें आयरन का सूट चाहिए, तो हमें फटाफट वहाँ जाना होगा। चल मैं तेरी गाड़ी उधार ले रहा हूँ, ठीक है भाई। गाइस पुलिस ने मेरी गाड़ी चाहती थी। तो गाइस यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी लैंड हुआ है, मैंने देखा था। तो अब हमें हेलीकॉप्टर को लेके जाना होगा। हेलीकॉप्टर को जल्दी पहुँच जाएंगे हेलीकॉप्टर से। ए हेलीकॉप्टर की चाबी दे रहे, चाबी दे, हेलीकॉप्टर की चाबी देता है कि नहीं देता, चाबी दे, चल चाबी दे हेलीकॉप्टर की। अरे दे दे यार, इतना मांग रहा तो समय चाबी दे दे। अरे देता क्यों नहीं है भाई, चाबी दे दे। हाँ दे दे चाबी। अरे नहीं दे रहा। अरे अरे यार हम तो भूल गए थे कि हेलीकॉप्टर में चाबी लगती नहीं है। तो फटाफट चलते हैं गाइस हेलीकॉप्टर लेके आयरन मैन की विला की तरफ तेजी से, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, बहुत कम टाइम है हमारे पास। गाइस मैं जा रहा था और मुझे पता था हेलीकॉप्टर बहुत हल्के हल्के चल रहा था, तो मैं से एयरपोर्ट ले आया हूँ। यहाँ से हम कोई दूसरा प्राइवेट प्लेन पकड़ेंगे ताकि हम वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँच सकें। चलिए कोई प्राइवेट प्लेन ढूंढते हैं गाइस हम अपने लिए। ये वाला प्लेन क्या सर, कोई और प्लेन नहीं यहाँ पर? नहीं यार कोई दूसरा प्लेन दिखा। चलिए इसी प्लेन में चलते हैं फिर। चलिए पता नहीं किसका है, चलिए हमें तो चोरी करना है किसी का भी हो। चलिए फटाफट चलिए चलते हैं फिर इस प्लेन को लेके। तो गाइस हमारी वीडियो को लाइक करिएगा आपको वीडियो को पसंद आए ये, और हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अब हम हल्क को धो के मारेंगे आयरन मैन का सूट चुराते ही। तो गाइस हमारे वीडियो पर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी वीडियोस पसंद है, हम वैसी ही वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। चलिए देखते हैं आगे कि अब आगे क्या होता है, कौन पिटता है कौन नहीं पिटता। हम तो इस बार नहीं पिटने वाले, पिछली बार मैं गोस्ट राइडर बन के बहुत पिटा था उससे, हल्क से। इस बार तो हम बिल्कुल नहीं पिटेंगे हल्क से। चलिए फिर चलते हैं आयरन मैन के टावर की तरफ। ये रहा आयरन मैन का विला, उफ टावर, टावर तो है नहीं यार, एक ही बिल्डिंग है तो विला ही बोल देने से। चलो ये रहा आयरन मैन का विला, बहुत बड़ा घर, बंगलो है बंगलो। चलिए हम यहाँ पर लैंड तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी अलर्ट, सिक्योरिटी अलार्म बन जाएगा। हम यहाँ पर कूदना ही होगा ताकि सिक्योरिटी अलार्म ना बजे। चलिए पैराशूट खोलते हैं अपना और अब हल्के से लैंड करते हैं आयरन मैन के घर के पास ताकि किसी को पता भी ना चले कि हम यहाँ आए थे। ओहो चलिए हल्के के लैंड करते हैं। अरे 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 चलिए चलिए, अरे फिसल गया यार साला, कभी लैंडिंग ठीक से हो ही नहीं पाई मेरी कभी भी। चलिए चलते हैं फिर, देखते हैं आयरन मैन का सूट किस तरफ है, कहाँ मिल सकता है हमें। चलिए अंदर देखते हैं एक बार, स्टार्क इंडस्ट्री, ओहो टोनी भाई का लोगो। चलिए एक बार अंदर देख के आते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे आयरन मैन का सूट मिल सकता है यहाँ पर। चलिए पहले कहाँ शुरुआत करें ढूंढने की, चलिए ऊपर चलते हैं पहले, हम एक बार ऊपर देख के आते हैं। ओहो गाइस मुझे डर तो लग रहा है कि मैं टोनी स्टार्क के घर में घूम रहा हूँ, क्योंकि अगर टोनी भाई गलती से आ गए ना, हल्क तो मारने वाला ही था हमें,
टोनी भाई और धो धो के मारेंगे। चलिए देखते हैं, हम अपना सूट ढूंढते हैं, अब यहाँ पर मिल जाएगा हमें ना। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ पर गाइस यहाँ पर क्या रखा हुआ है, चलिए अंदर जाकर देखते हैं एक बार। ओ बेटे, यहाँ देखो कितने हथियार रखे हैं, स्टॉर्म ब्रेकर है, थानोस का गॉन्टलेंट है, मार्क टू है, जार्विस भी है। हाय जार्विस, हेलो सर। जार्विस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे आयरन मैन का सूट चाहिए। सर वो मैं आपको नहीं दिखता जार्विस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ बताओ वो कहाँ पे है। सर, वो अंडरग्राउंड फ्लोर पे है। ओके सर, आप ले लीजिए। हाँ तो जैसे जार्विस ने हमें बताया कि वो अंडरग्राउंड फ्लोर पे है, तो गाइस चलिए देखते हैं अंडरग्राउंड फ्लोर का रास्ता कहाँ से आता है। एक तो भाई घर इतना बड़ा है इसका यार, कहाँ से आ रहे हैं रास्ते, यहाँ पर कहीं रास्ता होगा गाइस। यहाँ देखिए मुझे लग रहा है सर साइड में सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने के लिए। हाँ गाइस नीचे जाने की सीढ़ियाँ हैं, चलिए यहाँ पर चल के देखते हैं क्या पता यहाँ पर हमें कुछ मिल गया तो। चलिए देखते हैं नीचे फिर। ओके ये देखिए हमें क्या मिल, ओ बेटे हमें सूट मिल गए, और यहाँ पर तो कार्स भी खड़ी हैं बहुत सारी, कितनी धांसू कार्स हैं गाइस, कार्स मेरी कमजोरी है यार। ओ यहाँ पर सुपर कंप्यूटर भी है, चलिए आज इससे हमें क्या लेना। कार्स देखिए, ऑडी, फरारी, मर्सिडीज का पुराना मॉडल गाइस, यहाँ पर तो बहुत खतरनाक कार है। चलिए मतलब ध्यान नहीं भटकाते हम, हमें हल्क को पीटना है, अब हल्क को पीटेंगे, क्या करेंगे हल्क को पीटेंगे। जार्विस ये मार्क, ये आयरन सूट्स में ले क्यों नहीं पा रहा हूँ, सर, इसमें लॉक लगा है, आपको पहले लॉक अनलॉक करना होगा। वो कहाँ से होगा, पीछे सुपर कंप्यूटर है सर, वहाँ से हो जाएगा। ठीक है चलिए चलते हैं वहाँ पर। सुपर कंप्यूटर कहाँ पे है, सर पीछे की तरफ, आपने अभी देखा था। चलिए चलते हैं। जार्विस ने हमें बताया कि यहाँ पर सुपर कंप्यूटर, वहाँ से हम अनलॉक कर सकते हैं उसे। अब इसे अनलॉक कैसे करूँगा यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मुझे चलाना आता ही नहीं है ये। चलिए तुक्का मारते, अरे लात, अरे एक और भाई एक और, चल एक और लात मार क्या पता अनलॉक हो ही जाए। सिस्टम अनलॉक। गाइस तुक्का लग गया, सिस्टम अनलॉक हो चुका है। चलिए चलते, जार्विस मुझे आयरन मैन का वो जो कोने में रखा है, कोने में जो सूट रखा है रेड कलर का, मुझे वो चाहिए। गाइस हमें आयरन मैन का सूट मिल चुका है, अब हल्क बेटे।